वापस जाओ, वापस जाओ। मैं आपकी गाड़ी में थी, मेरा सांसद आपकी गाड़ी में था, मेरा विधायक आपकी गाड़ी में था, सबसे फ्रंट सीट पर मैं बैठी हुई थी। और ये कैसे आप लोग खाकी वर्दी पहन के हत्याएं करा सकते हैं, लोगों की हत्याएं जान ले सकते हैं आप, यही कर रहे हैं आप लोग, यहाँ यही यही कर रहे हैं आप लोग। आप पे भरोसा करके हम लोग गए, सिर्फ आप पे भरोसा करना चाहिए, आपके ऊपर भरोसा करके गए। लेकिन कायर भाजपाइयों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, ये हथकंडे बंद कर दो। बेटी बचाओ का नारा देने वालों कहाँ छुपे हो, सामने आओ। चौकीदार का नारा देने वाले कहाँ छुपे हो, सामने आओ, जवाब दो। योगी जी, आप अपने आप को ठाकुर कहते हैं, मैंने आपको देखा है, दो मुकदमे आपके ऊपर लगे थे, बिलख बिलख के आप पार्लियामेंट के अंदर रो रहे थे, बिलख बिलख के रो रहे थे, और आप पीछे से वार करते हैं। ये ठाकुरों का काम नहीं है, ये जो काम आपने किया है, ये आपने कायराना काम किया है, कायर होने का परिचय दिया है, अपनी काली करतूतों को इन काली स्याही के पीछे छुपाने का काम आपने किया है। लेकिन आपकी काली करतूतें जनता के सामने उजागर हो चुकी हैं, ये सच सामने आ चुका है कि आप दरिंदों के साथ खड़े हैं। ये जो आरोपी है, इस आरोपी के बारे में ज्यादा पड़ताल करने की आपको जरूरत नहीं है। जिसने हमला किया उसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उसके साथ ये दीपक शर्मा नाम का लड़का जिसने आज हमला किया। अब कुछ कहना बाकी है क्या? हमें पुलिस की सुरक्षा में ले जाया गया, हमारे साथ 50 गाड़ियां थी, सबको रोक दिया गया, कहा गया नियमों का पालन कीजिए, हमने कहा ठीक है हम नियमों का पालन करते हैं, हमें पुलिस की सुरक्षा में ले जाया गया। ये तो विश्वासघात है, ये तो खाकी वर्दी के लोग हत्या भी करवा सकते हैं उत्तर प्रदेश, योगी जी का इशारा होना चाहिए। ये है लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी, उनके साथ ये फोटो। अब कुछ कहना बाकी है और मैं दिखाता हूँ आपको, की तस्वीरें देखिए आपको समझ में आ जाएगा। गिरिराज सिंह के साथ इसकी तस्वीर है, ये एक भाजपा नेता के साथ इसकी तस्वीर है, ये देखिए आप। और आज आप, जब मैं बेटियों के न्याय के लिए, हाथरस की गुड़िया के लिए न्याय मांगने आया, उनके परिवार से मिलने गया, तो आपने ये कायराना हरकत कराई, ये हमला कराया। योगी जी, आपको उस गुड़िया की चीख सुनाई नहीं दी, आपको बेटियों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता? मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, एक पिता हूँ, मुझे बेटी का दर्द समझ में आता है, आपको कैसे समझ में आएगा बेटी का दर्द? आपके परिवार होता तो आप उस दर्द को शायद समझ पाते, आप नहीं समझ पाए लखीमपुर खीरी की बेटी का दर्द, आप नहीं समझ पाए जौनपुर के मड़ियाओं की बेटी का दर्द, योगी जी आप नहीं समझ पाए बलरामपुर की उस बेटी का दर्द, भदोही की उस बेटी का दर्द, जो बलात्कार का शिकार हुई, जो गैंग रेप का शिकार हुई, जिनके शरीर को छत बिछत कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, आप नहीं समझ पाए इस गुड़िया का दर्द, जो मरने से पहले अपना बयान देकर जाता, दरिंदों का नाम बता के जाता, उसके मौजूद आपका प्रशासन, आपकी सरकार दरिंदों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है।